Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बात सब एक ही है, 2014 में हम भटक गए, अब कौन ना जाएंगे साइकिल छोड़ के, साइकिल लड़ेगी। 14 में कैसे भटक गए थे आप? भटक गए थोड़े 15 लाख के चक्कर में, फिर नौकरी मिलेंगी, नौकरी हमारी लग गई खेतन पर, जो किसान हम रखा रहे हैं, सब गुनी के हाथों लिखो हुआ है, कोई बतावे के ना है काऊ को, वो मुलायम सिंह ने पूरा कर दो, तो हम तो शिवपाल सिंह को ही लड़ांगे, वो लड़ांगे मन से। धर्मेंद्र यादव ने कैसा लड़ा था यहाँ चुनाव? वो तो डरपोक है, मतलब गुना ने करो कछन है, सब साइकिल पर कोई लड़ ले, उनको तो कुत्तों लड़ रहे, तो साइकिल के नहीं। मतलब इतना असर है उस परिवार का? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव लगातार बदायूं लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज भी शिवपाल सिंह यादव बदायूं लोकसभा क्षेत्र के जब दौरे पर हैं, तो हम इस वक्त उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाके में जो है पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज हम यहाँ गांव में मौजूद हैं, यहाँ लोगों से जो है बातचीत करेंगे कि आखिर शिवपाल सिंह यादव को जिस तरीके से बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद ये गांव के लोग जो क्या सोचते हैं और आखिर क्या इनके मन में है। क्या नाम है आपका? जीतपा। शिवपाल सिंह यादव प्रत्याशी हैं अभी मौजूदा समय में, पहले धर्मेंद्र सिंह यादव का नाम चला, धर्मेंद्र सिंह यादव ने पिछले से 5 साल बताया जाता है मेहनत भी की, किस तरह से देखते हैं शिवपाल सिंह यादव बेहतर या धर्मेंद्र यादव बेहतर? शिवपाल सिंह बेहतर हैं, शिवपाल सिंह बेहतर हैं। शिवपाल सिंह यादव ने तो ये कहा कि नौजवान जैसे कि अपने बेटे हैं उनके आदित्य यादव, वो लगातार उनका नाम भी ले रहे हैं, तो क्या आदित्य यादव को चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। दादा क्या नाम है आपका? हरीश सिंह प्रधान। दादा बदायूं से जो है शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले धर्मेंद्र यादव जो प्रत्याशी थे, किस तरह से लगता है जो है शिवपाल सिंह यादव बेहतर है या धर्मेंद्र यादव बेहतर? अरे शिवपाल सिंह कोई काम है सगरो, और हमारे यहाँ कामों किन्ने कराओ, सब गुनी के हाथों लिखो हुआ है, कोई बतावे के ना है काऊ को, वो मुलायम सिंह ने पूरा कर दो, तो हम तो शिवपाल सिंह को ही लड़ांगे, वो लड़ांगे मन से। धर्मेंद्र यादव ने कैसा लड़ा था यहाँ चुनाव? वो तो डरपोक है, मतलब गुना ने करो कछन है, किया कुछ नहीं, मतलब ना धर्मेंद्र ने कहा करो, अरे वो बनवाई वो जाके वहाँ बताओ जाके, मत करो। अच्छा शिवपाल सिंह यादव तो ये कहते हैं इस बात को कि आदित्य यादव को भी जो चुनाव लड़ना चाहिए जो उनके बेटे हैं, अगर आदित्य यादव अगर जो प्रत्याशी हो या आदित्य यादव भविष्य चुनाव लड़े तो कमाल भाई लड़ांगे हम तो, साथ ही ना शिवपाल ना कोई केवल समाजवादी लड़ाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? सुदा सिंह नाम है। दादा शिवपाल सिंह यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस लोकसभा से, पहले धर्मेंद्र यादव थे, अब आदित्य यादव के नाम को भी जो है वो आगे ला रहे हैं, उनका कहना है कि आदित्य यादव भी भविष्य में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्या लगता है उनके? शिवपाल सिंह लड़ांगे हम तो, शिवपाल सिंह लड़ांगे, शिवपाल सिंह के परिवार ने भैया सिंह, उन्होंने भैया ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ, गांव-गांव सड़क करवाई है, गांव-गांव जो है दिली करते ही और गांव-गांव सुखी करते है, हमारी बदाम क्षेत्र का पूरे प्रदेश सुखी कर दिया है। हाँ, और अगर आदित्य यादव अगर चुनाव लड़ते हैं शिवपाल यादव के बेटे तो कितना असर? शिवपाल सिंह भी देंगे हम तो, क्या लगता है जो अगर शिवपाल चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको या उनके बेटे का चुनाव? साइकिल लड़ाव नहीं है ना, हमें साइकिल लड़ाव नहीं है, कोई लड़ ले उनमें से, लेकिन आदित्य यादव अगर जो चुनाव लड़ेंगे, युवा है, नया चेहरा है, बिल्कुल अखिलेश यादव भी नया चेहरा है प्रदेश में, शिवपाल यादव के बेटे अगर चुनाव, तो कोई लड़ ले, छोटू लड़ ले, चबड्डू, हमें तो एक समान है, साइकिलों देने हो हमें तो। हाँ। ना अखिलेश, ना शिवपाल, ना धर्मेंद्र, हाँ, ना कोई लड़े चाहे, केवल साइकिल देने हमें। दादा क्या नाम है आपका? रामजीत सिंह। तो शिवपाल सिंह यादव अभी जो है प्रत्याशी है, जो है क्या लगता है जो है भविष्य में जो है कि अगर उनके बेटे अगर जो चुनाव लड़ते हैं आदित्य यादव तो किस तरह से? बहुत बढ़िया, उन्हें चुनाव करेंगे सर। आदित्य यादव को साइकिल पे देंगे हम तो, हम जानते ना है, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव हाँ, हम तो सब उन्हीं के देंगे, कोई लड़ ले, सब साइकिल पे कोई लड़ ले, उनको तो कुत्तों लड़ रहे, तो साइकिल के नहीं। मतलब इतना असर है उस परिवार का? बिल्कुल बिल्कुल, हम पिल्लू भी बोल देंगे उनके नाम से, और बहुत खुश है यहाँ तो मनते, कभी जीवन में इतना काम करवा उन्होंने, उन्होंने कोई कर नहीं पाएगा। किस किस ने किया काम? सब ने कर, अखिलेश ने करवा हुआ है, मुलायम सिंह ने करवा है, और सब धर्मेंद्र ने करवा है, सब ने करवा है।
और हम उन्होंने सबने करूँ जीते वोट दे रहा है तो सबने करूँगा। लेकिन माहौल तो युवाओं का बहुत है, अखिलेश यादव बिल्कुल युवा है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कितना सपोर्ट करोगे आप उनको? इतना उनका वजन है उतना काफी भी करेंगे, खूब आगे ऊपर फिर मिलेंगे। अब इनको हाथ बनाकर वोट है जाए कितने धर्मेंद्र यादव जो है चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, जो उनका नाम था जो पहले, उसके बाद उनका टिकट बदला, उनके ही चाचा जो शिवपाल को यादव को जो है दे दिया गया, तो क्या लगता है कि मतलब जो है परिवार में जो है कुछ थी कल है इस वजह से जो है टिकट बदला? हाँ वही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, बिल्कुल बात सब एक ही है। 2014 में हम भटक गए, अब कौन ना जाएंगे साइकिल छोड़ के, साइकिल लड़ेगी, साइकिल लड़ेगी। 14 में कैसे भटक गए थे आप? भटक गए थोड़े 15 लाख के चक्कर में, फिर नौकरी मिलेंगी, नौकरी हमारी लग गई खेतन पे, जो किसान हम रखा रहे हैं, हमारी नौकरी होते हम बॉर्डर पे, तो आज हम खेतन पे रखा रहेंगे। भटक के कहाँ चले गए आप? बीजेपी के संग चले गए, लेकिन इस बार अब ना जाएंगे 24 में। अरे अपने बालकन पे बच्चों से मैंने कर जाएंगे साइकिल बन दी तुम जीवन में। अभी आगे के लिए मतलब मन बना लिया फाइनली? बिल्कुल। और दादा क्या नाम है आपका? मेरा भागीपाल नाम है। 2014 के बाद अब 2024 जो है वो कह रहे हैं कि किस तरह से लगता है? साइकिल पे देंगे साहब, हम तो साइकिल पे देंगे, उनको मुलायम सिंह के परिवार में कोई कुत्ता उत्तम राजी हम तो। हाँ शिवपाल सिंह यादव के बाद अगर उनके बेटे अगर जो आदित्य यादव का भी अगर नाम आता है तो किस तरह से पूरे परिवार के साथ कोई सारे हम तो जी जान से तैयार हम तो। हाँ दादा क्या नाम है आपका? किस तरह से लगता है शिवपाल सिंह यादव सभी उसके बाद उनके बेटे आदित्य यादव का नाम भी सामने आने लगा? उन्होंने अभी कहा भी हमसे बातचीत के दौरान जो है कि आदित्य भी अगर जो चुनाव लड़े क्योंकि युवाओं का माहौल है तो किस तरह से? सब तरह से साइकिल की लड़ांगे हम और कौन में लड़ांगे, साइकिल के आदमी है साइकिल को दे लो और उनके बढ़िया काम क्यों करो ही ना है। हम जा रास्ता में इतनी तनी में चल रहे कीचड़ में, आज उन्हीं की बदौलत है जो हमारे ताए रोड दादा उन्होंने, उन्हीं ने हमें बिजली दी है, उन्हीं ने हमें रोटी रोजी दी है, हमें किसी ने नहीं दी, हमें उन्हीं ने दी है और मरते मरते वोट उन्हीं को ही देंगे। हाँ हमारी सिगरी जनता और ड्यूटी हमारी खेत में लगाई दी गैर पैसा के जय सरकार ने, और जय जितने बार भ्रष्टाचारी बैठे गए उन्होंने हमारी चांद में जूता मारे, उन जूतों को हम अपने झेलते आ रहे हैं, यही हमारा भ्रष्टाचार हटा दे। अच्छा मुलायम परिवार की दो बहुएं भी जो चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, एक तरफ डिंपल यादव है और दूसरी तरफ बीजेपी से अपर्णा यादव है, तो यादव किस तरफ जाकर के उनको जो सपोर्ट करेंगे? अगर आप अपर्णा यादव को लड़ाएंगे बीजेपी को नहीं लड़ाएंगे, और अपर्णा यादव भी तो उन्हीं के परिवार की कचरी सही सही कुछ भी सही सही, पार्टी तो हमारी है, पार्टी तो हमारी है, पार्टी हमारी है चाचा जी, और चाचा जी लड़े चाचा जी को पेट को बालक लड़े चाचा जी को अम्मा लड़े तो वोट उन्हीं को देंगे और का के बाबोए। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करने, दादा डिंपल यादव जिस तरीके से मुलायम परिवार की बहू है उसी तरीके से अपर्णा यादव भी उसी परिवार की बहू है, उनके नाम की जो है चर्चा जो लगातार चल रही है, एक तरफ बीजेपी अपर्णा यादव को तैयारी में उतारने की, दूसरी तरफ डिंपल यादव को समाजवादी तैयारी में, ऐसी स्थिति में यादवों का अगर जो रुख जानने की कोशिश करें तो कहां जाएंगे जो है, क्योंकि बड़ा धर्म संकट होने वाला है। हम तो भाई भाई देंगे अपने डंपल देंगे साइकिल में मैनपुरी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ ना ना हम काउंसिल लड़ लेंगे, हम तो अपनी बात सही लो देंगे, लेकिन परिवार की बहू तो अपर्णा यादव तो क्या बात है, कोई बने भ्रष्टाचार करे तो वहाँ से चले जाएंगे, हम अपन भ्रष्टाचार कराएंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम जयदीप है। अच्छा क्या लग रहा है जो है कि जैसे डिंपल यादव के नाम की जो चर्चा चल रही है मैनपुरी में, दूसरी तरफ अपर्णा यादव के नाम की भी जो चर्चा है, तो ऐसे में जो है किसके साथ जो होगा बड़ा धर्म? साइकिल को टिकट जो ले वो ताको देंगे हम, और चाहे कोई घर को और पलटी जाए हम ना दे पाएंगे, ना डिंपल ना अपर्णा। हाँ। केवल और केवल साइकिल साइकिल हम काउ को दे दें, भाई काउ को दे दें वोट के, अपने घर के को ना बाहर बारे को दे दें, हम काउ साइकिल को देंगे। तो ये संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के वो यादव समाज के लोग हैं जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद जिस तरीके से आदित्य यादव का नाम सामने आया या उससे पहले धर्मेंद्र यादव जब यहां से प्रत्याशी बनाए गए, उसमें कोई भी प्रत्याशी रहे लेकिन उनका केवल और केवल वोट साइकिल के नाम पर जाएगा, इसको लेकर वो मन बना चुके हैं।
सीधे तौर पर यहाँ के लोगों का कहना यह भी है कि 2014 में भले ही हम लोग भटक गए हों, लेकिन 2024 के लिए हमने ना भटकने के लिए पूरी तैयारी जो कर ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सीधे तौर पर क्या कहना है, ये हमने राय जानने की कोशिश की। वहीं अगर बात की जाए तो मैनपुरी में जिस तरीके से अपर्णा यादव और डिंपल यादव के नाम की चर्चा सामने आ रही है और दोनों ही मुलायम परिवार की बहू हैं, ऐसे में यादव समाज किस तरफ जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा धर्म संकट है और एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन इस समाज के लोगों ने यह भी बता दिया कि ना वो डिंपल यादव के साथ हैं, ना वो अपर्णा यादव के नाम के साथ हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभिनव माथुर,